भाई साहब नैन्सी पेलोसी एक बवाल है, तगड़े वाला, जहां और चाइना के लिए तगड़ा बवाल है, जहां ये महिला खड़ी हो जाती है चाइना की टांगे कांपने लग जाती हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक एक एक्ट साइन हुआ पिछले हफ्ते में यूएसए के अंदर, जो 391 वर्सेस 26, मतलब 391 पीपल इन यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने अप्रूव करा, 26 ने निगेट करा। इस एक्ट का नाम था टिबेट चाइना डिस्प्यूट एक्ट। फिर तो बात ठीक है, वो है पीसफुल रेजोल्यूशन, वरना अगर चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग करी, चाइना ने पंगा लिया, चाइना ने दलाई लामा को परेशान किया तो... और मजे की बात यह है कि यूएस हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक तिब्बत बिल भी पास किया। सो ये आप देखेंगे एक नई जंग जो है डिप्लोमेटिक शुरू हो गई है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो चाइनीज एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि जो दलाई लामा है वो प्योर रिलीजियस फिगर नहीं है, एक पॉलिटिकल एग्जाइल फिगर है। जो कि संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने धर्मशाला में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की, चीन को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या है, क्या मायने हैं इसके? या मतलब जो चाइना की एक जो एक नैरेटिव है कि भाई तिब्बत हमारा हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना बोलता है तिब्बत हमारा हिस्सा था। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने गए अमेरिकन सांसद को देख चीन आग बबूला हो गया। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि सभी जानते हैं कि 14वें दलाई लामा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म की आड़ में चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। दलाई लामा को चीन विरोधी बताते हुए चीन अमेरिका को नसीहत दी है और कहा है कि दलाई लामा से संपर्क करने से बचना चाहिए, तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर अमेरिका चीन से की गई कमिटमेंट का सम्मान करे, दुनिया को गलत संदेश मत दे। चीन ने कहा है कि तिब्बत हमेशा से ही चीन का हिस्सा रहा है, ये चीन का घरेलू मामला है, इस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। चीन को कंट्रोल करने या दबाने के लिए तिब्बत को डिस्टेबल करने की कोशिश ना करे, ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। चीन की ये प्रतिक्रिया बुधवार को दलाई लामा और अमेरिका सांसदों की होने वाली मुलाकात से पहले आई है। इस मुलाकात से पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा था कि हम दलाई लामा से मिलने और कई चीजों पर बात करने को लेकर उत्साहित हैं। इसके साथ ही अमेरिकन संसद द्वारा पारित बिल भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। इस बिल को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को साइन करने के लिए भेज दिया गया है। अमेरिका, अगर आप देखें तो यहां पर इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद एक नए फेज में वर्ल्ड वॉर 3 को ले जाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले इसने कनाडा को कहा कि कनाडा भाई एक काम करो, यहां पर एक बिल पास कर दो। कनाडा कहता है भैया कौन सा बिल, कनाडा और अमेरिका भाई भाई हैं। कनाडा की पार्लियामेंट ने तिब्बत के इस बिल को क्लेम को मतलब एक बिल पास किया और यह कहा कि तिब्बत को सेल्फ डिटरमिनेशन का अधिकार है, यानी तिब्बत वालों से पूछा जाए कि तिब्बत गुलाम रहना चाहता है, आजाद होना चाहता है, क्या करना चाहता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गुलाम रहना चाहता है, आजाद होना चाहता है, क्या करना चाहता है, सेल्फ डिटरमिनेशन का अधिकार है। कनाडा वही बोलेगा जो अमेरिका कहेगा। उससे पहले अमेरिका भी तिब्बत पॉलिसी बिल पास कर चुका है, यूएस हाउस की यह रिपोर्ट है, या मतलब ये वो है। टाइम रिमेनिंग को अगर आप देखोगे 392 जो वोट्स हैं वो यस की फॉर्म में गए, 22 वोट्स जो है वो नो की फॉर्म में गए, और नॉट वोटेड यानी जिन्होंने वोट नहीं किया वो 16 थे। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास हो गया। अब आप कहोगे ये तिब्बत पॉलिसी एक्ट क्या है? सबसे पहली बात, तिब्बत पॉलिसी एक्ट का मतलब ही ये है कि चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने का दबाव डालता है। अमेरिका ने साफ कह दिया हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते, चाइना जो है बाहर में जाए। अगर चाइना शांति से दलाई लामा को मना लेता है और दलाई लामा कह देते हैं कि हां जी ठीक है हम चाइना का हिस्सा हैं, फिर तो बात ठीक है, वो है पीसफुल रेजोल्यूशन। वरना अगर चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग करी, चाइना ने पंगा लिया, चाइना ने दलाई लामा को परेशान किया तो अमेरिका आवाज उठाएगा। यह है तिब्बत पॉलिसी बिल जो कि पास हो गया, अब वो एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यस,
अब यहां पर चाइना बिदकेगा तो हां जी बिदकेगा। चाइना किस लेवल पर बिद गया? चाइना ने कहा स्टॉप सेंडिंग रॉन्ग सिग्नल्स टू द वर्ल्ड कि तिब्बत दलाई लामा से पूरे के पूरा अमेरिका का एक डेलीगेशन मिला है। बाई पार्टीशन डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज के मेंबर थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी नैन्सी पेलोसी जो दलाई लामा के मंदिर में जाकर पार्लियामेंट हाउस में जाकर जो धर्मशाला में टेम्परेरी गवर्नमेंट इन एक्साइल की पार्लियामेंट है उसमें जाकर रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे के पूरे तिब्बत को और ये कह रही हैं कि भाई जो भी उन्होंने कहा उसके ऊपर डिस्कस बाद में। तो सवाल यही है डिस इंफॉर्मेशन का मामला एकदम से क्यों उठा और सवाल उससे बड़ा यह कि नैन्सी पेलोसी कौन है। भाई साहब नैन्सी पेलोसी एक बवाल है तगड़े वाला जहां और चाइना के लिए तगड़ा बवाल है। जहां ये महिला खड़ी हो जाती है चाइना की टांगे कांपने लग जाती हैं। ये नैन्सी पेलोसी चाइना की धज्जियां उड़ाए रखती है बैंड बजाए रखती है। ये 1991-92 की एक फोटो है जहां पर नैन्सी पेलोसी चाइना में जाकर खड़ी होती हैं, चाइना के विजिट पर जाती हैं और तियानमेन स्क्वायर जो है जहां पर चाइना ने डेमोक्रेसी को डिमांड करने वाले 10,000 स्टूडेंट्स को तोप से उड़ा दिया था, ब्रूटल किलिंग करी, उसी तियानमेन स्क्वायर पे जाकर ये एक पूरा झंडा लहरा देती हैं टू दोज हु डाइड फॉर डेमोक्रेसी इन चाइना। ये फोटो तूफान मचाने वाली है, खतरनाक है। सबसे पहले आप देखिए एक एक एक्ट साइन हुआ पिछले हफ्ते में यूएसए के अंदर जो 391 वर्सेस 26 मतलब 391 पीपल इन यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अप्रूव करा, 26 ने निगेट करा। इस एक्ट का नाम था टिबेट चाइना डिस्प्यूट एक्ट। इससे क्या हुआ कि जो सेनेट और इनके बेसिकली जो इनके इनका पार्लियामेंट है उससे पास हो गया। वहां पर क्या होता है कि वो लोग अभी एक टिबेट और चाइना को एक डिस्प्यूट मानेंगे, ये मान के वो ये बोलेंगे कि साहब हम लोग अभी एक ऑफिशियली फंड्स दे सकते हैं फॉर द कॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। मतलब जो चाइना की एक जो एक नैरेटिव है कि भाई टिबेट हमारा हिस्सा है था और हमेशा रहेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना बोलता है टिबेट हमारा हिस्सा था हिस्ट्री से, मिडिवल टाइम से हमारा हिस्सा। अब चाइना का क्या है, चाइना तो जाके मून पे खड़ा हो जाएगा, भैया एक चाइनीज आया था वो मेरा है। सो ये चाइना का एक गेम है। इसको इसके डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए कुछ फंडिंग चाहिए, कुछ काम करना है, कुछ ऑफिशियली इनको ये करना था, तो इन्होंने एक बिल पास करा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन लोग इनकी तरफ से करी है। हैविंग सेड दैट इट इज एन एक्टिव फॉल्ट, ठीक है, और चाइना को इसके अंदर प्रेशर डालना बहुत अच्छा रहेगा, दैट इज वेरी गुड। एज फार एज यू नो चाइना हम पे रिएक्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसकी जो बात है, देखिए यार चाइना ने कौन सा अग्रीमेंट आपके साथ यू नो रखा है? जितने बॉर्डर अग्रीमेंट सारे उसने करे, गलवान में आके क्या कर रहा है वो, उसके बाद अभी भी बॉर्डर के ऊपर आपके इंडिया टिबेट के जो बॉर्डर है इलीगली टिबेट के अंदर घुस के इंडिया के बॉर्डर पे आके खड़ा हुआ, आप भी वहीं खड़े हुए हो, ठीक है,